अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर आई हूँ। आज मैं आई हूँ लाहौर आर्मी म्यूज़ियम में। यहाँ पर सबसे पहले जब आप यहाँ पर आएंगे, आपको सुबह जल्दी आना पड़ेगा टिकट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो टिकट्स हैं बहुत जल्दी सेल हो जाती हैं। और ये जो पार्क है, इस पार्क में आप बग़ैर टिकट के भी आ सकते हैं, लेकिन जहाँ हम अभी जाएंगे उसके लिए आपको टिकट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए जो बड़ों की टिकट है वो तकरीबन 50 रुपीज़ की है, और जो छोटे बच्चों के लिए टिकट है वो 20 रुपीज़ की है। और इसके लिए आपको सुबह जल्दी आना पड़ेगा 7, 8 या 9 बजे तक, और 10 बजे तक जो है टिकट्स जो हैं वो सारी सेल हो चुकी होती हैं। इसलिए सुबह टिकट्स जो हैं हमने जल्दी ले ली थी, और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर टैंक्स वगैरह, ये देखिए आप टिकट देखते हैं, और ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं, टिकट्स हमने दिखाई हैं। और यहाँ पर टैंक्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है, बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। और यकीन करें यहाँ पर बहुत ही मज़ा आया था। मैं आपको टैंक्स जो है वो दिखाती रहूँगी, और इसके साथ इसकी डिटेल भी मेंशन है। आप वो वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके, इसका स्क्रीनशॉट लेके, जूम करके आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊँ, आप देख सकते हैं कि वीडियो तो फिर 2 से 4 से 5 घंटे की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैंक्स हैं और बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, और उनके बारे में जो है बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर भी हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और ये देखिए टैंक्स जो हैं, कितने बड़े बड़े टैंक्स हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी इतने पास से टैंक नहीं देखे थे। यहाँ पर जो है बच्चे आ सकते हैं, टैंक के ऊपर बैठ सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई रोका नहीं जाता कि आप टच ना करें या यहाँ पर पिक्चर ना बनाएं, वीडियो ना बनाएं। बाहर जो ये वाला पार्क है, आप यहाँ पर वीडियोज़ भी बना सकते हैं और आप यहाँ पर पिक्चर्स भी ले सकते हैं। और ये देखिए ये इंडिया का टैंक था, और इसके बारे में जो डिटेल है, इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, 1965 की वॉर में क्या हुआ था, ये क्या था क्या नहीं, यहाँ पर सब कुछ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये देखिए ये भी टैंक है, यहाँ पर बहुत किस्म के टैंक्स थे, मैं खुद देख के हैरान हो गई थी। कुछ टैंक्स तो इतने बड़े बड़े थे कि वो देख कर ही डर लग रहा था कि इतने बड़े टैंक्स, और उनके जो व्हील होते हैं या क्या होता है, क्या कहा जाता है, मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, तो यकीन करें इतने बड़े बड़े उसके व्हील थे और इतने ज़्यादा। और ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है ना, इसके अंदर भी मैं अभी जाऊंगी, लेकिन इसके अंदर हम वीडियो नहीं बना सकते, पिक्चर्स अलाउ हैं, बाहर आप वीडियोस भी बना सकते हैं और पिक्चर्स भी। और ये लाहौर में है आर्मी म्यूज़ियम, यहाँ पर बहुत ही मज़ा आता है, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही इंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही, साथ साथ बड़ों के लिए भी, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना बड़ा हेलीकॉप्टर था, आप इसको देख सकते हो, ये बहुत ही बड़ा था, मतलब वीडियो में ये इतना बड़ा नहीं लग रहा, और ये बहुत ही बड़ा था। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड पे भी, और यहाँ पर भी कोई प्लेन्स जो हैं वो खड़े हैं, यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स हैं, यहाँ पर टैंक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, और हेलीकॉप्टर्स भी हैं और टैंक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। मैं इसके बारे में भी आपको जूम करके ये दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है ये क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि सनलाइट जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर पड़ रही है, और शाइन की वजह से ये बिल्कुल नीट नहीं था। पिक्चर्स भी मैं लेने की कोशिश कर रही थी, वो भी इसी तरह थी। और ये देखें यहाँ पर वीडियो की स्पीड को मैंने बढ़ा दी है, क्योंकि अगर मैं इस ग्राउंड की पिक्चर बनाने पे, वीडियोस बनाने पे आऊँ तो वो वीडियोस बहुत लंबी हो जानी थी। अभी मैंने ये बहुत ज़्यादा कम की है, इसमें से बहुत ज़्यादा कट की हैं, इसलिए ताकि जो है आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा। अभी ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं। कुछ हेलीकॉप्टर्स तो ऐसे थे, ऐसे लग रहा था कि यहाँ से अभी जो है हमें यहाँ से फायर जो है हेलीकॉप्टर से निकलेगा और हम जो है उड़ जाएंगे, मतलब इस टाइप की फीलिंग आ रही थी, इतने मतलब ख़तरनाक किस्म के थे। ये देखें आप देख सकते हैं, इसको देख के तो मुझे बहुत डर लगा था, पता नहीं क्यों, ये मुझे बहुत ही ख़तरनाक किस्म का लग रहा था, इतना डरावना सा, इतना मतलब बहुत ही इससे मुझे डर लग रहा था। मुझे पता है ये नहीं अभी चल सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं, मुझे फिर भी डर लग रहा था। तो बस इसकी मैंने जल्दी जल्दी से वीडियो बनाई आपके लिए, ताकि मैं ये आपको भी दिखा सकूं। ये देखें ये भी यूज़ होता था पहले, इसके बारे में भी डिटेल जो है इसके साथ थी, और उसकी भी मैंने वीडियो बना ली थी, शुक्र है इसकी वीडियो बहुत बेहतर आई है। तो आप इसे स्टॉप करके और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके बारे में रीड कर सकते हैं। और अगर आप लाहौर में या पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं, और लाहौर में अगर आप आएँ, तो आप आर्मी म्यूज़ियम में ज़रूर आइएगा।
और ये देखें यहाँ पर अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं पार्क की। यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा टैंक्स थे और बहुत ही ज़्यादा जो है इस साइड पे तो बहुत ही ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर भी थे। और यहाँ पर कुछ टैंक्स ऐसे भी थे जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे ना गेम्स। ये देखें इस टैंक की मैं बात कर रही थी, ये व्हील हैं इसके या क्या है आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हैं। और ये इतने बड़े थे, टैंक इतने बड़े थे, मैं देख के बहुत ही हैरान हो गई थी कि यार ये टैंक्स इतने बड़े होते हैं। मतलब हम गेम्स में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं तो वो इतना फील नहीं होता कि ये बहुत बड़े होंगे, लेकिन असल में ये बहुत बड़े थे। हमने टैंक के ऊपर भी हम बैठे थे, मतलब हमने पिक्चर्स ली थी। और यकीन करें बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही मज़ा आता है जब आप ऐसी नई नई चीज़ें, ज़बरदस्ती चीज़ें देखते हैं जो आप गेम्स और मूवीज़ में देखते हैं। तो मतलब जब आप असल में ये चीज़ें देखते हैं, रियल में देखते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है और ऐसे लगता है कि आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त सा। ये देखें यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, इसके ऊपर बैठ सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आए थे, कुछ लोग तो टैंक्स के ऊपर भी बैठे हुए थे, पिक्चर्स ले रहे थे। और यहाँ पर आप देखें कितने किस्म के टैंक्स हैं, और यहाँ पर सारे टैंक्स थे ना, उससे ये बहुत चेंज था। और इसके बारे में भी जो डिटेल है वो यहाँ पर है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की थी, पिक्चर भी ली थी ताकि साथ में पिक्चर जो है वो लगा दूँ, लेकिन पिक्चर भी सही नहीं आ रही थी। और ये देखें यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कुछ है। ये जो है ना, ये इससे मुझे बहुत डर लग रहा था। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे हॉरर मूवीज़ में इस तरह के ड्रग्स आते हैं ना, इस टाइप का मुझे ये ट्रक लग रहा था, मुझे इससे बहुत डर लग रहा था। ये देखें ये अभी तक वैसे के वैसे ही है सब कुछ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर और भी टैंक्स हैं, बहुत मतलब अजीब अजीब टाइप के थे, अजीब से मतलब जो कभी देखे भी नहीं थे। और ये देखें यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें थी, यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ रॉकेट लॉन्चर कहाँ है, इसके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये देखें क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम था, 4:30 पे ये क्लोज हो जाना था, और टाइम जो है वो चार, मैंने वैसे भी अंदर भी जाना था, वहाँ पर आपको दिखाना था कि यहाँ पर अंदर जो है, अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है। वहाँ पर जो है उसकी वीडियोस नहीं मैं बना सकी क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो वहाँ पर मैंने पिक्चर्स जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा ली हैं। ये देखें यहाँ पर ये किस तरह की चीज़ें, अब पता नहीं इसको इस तरह घुमाकर इसको चलाया जाता था, इसमें बॉम्ब डाल के इस तरह किया जाता था, मुझे नहीं पता। हम बस अपने से ही सोच रहे थे, खुद से हम बातें कर रहे थे, हो सकता है कि ऐसा यहाँ पर होता हो या ऐसा किया जाता हो। और ये देखें यहाँ पर भी ये टैंक है, और इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ था सब कुछ, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा टैंक था, या ये टैंक था या क्या था मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये देखिए ये ऐसा था, मतलब ये बहुत ही बड़ा था, ये सब टैंक्स में ये बहुत बड़ा था। अब ये मैं आपको साइड से भी अभी दिखाऊंगी, ये कैमरे में पूरा नहीं आ रहा था क्योंकि साइड पे भी एक और टैंक था, तो टैंक था या क्या था तो जगह जो है वो बहुत कम थी, तो इसलिए इसकी मैं साइड से पूरी वीडियो नहीं बना सकी। ये देखिए ये कितना बड़ा था, ये देखिए ये कैमरे में पूरा नहीं आ रहा था, ऊपर से वीडियो बनाती थी नीचे से नहीं आती थी, और इसी तरह बस फिर मैंने ये देखा कि चलो मैं इस तरह दिखाकर बनाती जाती हूँ वीडियो। ये देखें अब हम इसके यहाँ पर आ गए, ये देखें यहाँ पर ये जगह थी ना, साथ ये था और जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम थी। और ये देखें यहाँ पर अब जो है हम यहाँ पर अंदर भी इसके जा सकते हैं, और मैं यहाँ पर अंदर भी गई थी, आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था अंदर जाना, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी हम स्लिप हो जाएंगे यहाँ से, और जब यहाँ पर हम अंदर आ गए थे तो फिर कोई टेंशन नहीं हुई, बहुत इजी था। ये देखें यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर शायद इससे कंट्रोल किया जाता था, या ये इसका गियर है या क्या है मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है मुझे। और ये देखें यहाँ पर ये एक सीट बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई स्टेयरिंग नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं, इससे ही कंट्रोल किया जाता होगा या ये किस लिए है मुझे नहीं पता। ये देखें लेकिन यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर जो है गन फेंका हुआ है, ये बहुत गलत किया है, मतलब खाली बॉटल्स, रैपर्स, ये चीज़ें फेंकी हुई हैं। हमें तो सफाई का खुद ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों को खुद ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर हम बिल्कुल भी गंद ना फेंकें। यहाँ पर डस्टबिन्स हैं, आप वहाँ पर जाकर फेंकें। और ये देखें अब हम यहाँ से उतर जाएंगे, यहाँ से उतरना मेरे लिए सबसे मुश्किल था, और खैर मैं कामयाब हो ही गई थी उतरने में बहुत मुश्किल से। और ये देखें यहाँ पर लोग अभी भी हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं। इस साइड पर अभी लोग बहुत कम थे, वो इसलिए क्योंकि जो दूसरा पार्क है जहाँ से हम एंटर हुए हैं उससे पहले,
तो वहाँ पर आप टिकट्स के बगैर भी, जहाँ मैंने आपको बताया था, आप आ सकते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर टिकट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये देखें, यहाँ पर जो है मैं दोबारा से वापस आ गई थी, और यहाँ पर जो है इस जगह में आके मैंने कुछ थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, क्योंकि अभी मैंने अंदर जाना था। वहाँ पर जो है पिक्चर्स जो हैं वो मैं अपलोड कर सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। लेकिन मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊँगी पिक्चर्स के साथ साथ। और मैं यहाँ पर आके स्टेयर्स पे बैठ गई थी, क्योंकि अंदर भी बहुत ज़्यादा चलना था। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चली थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें, मैं अभी भी बैठी थी, सोच रही थी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, रेस्ट करने के बाद हम अंदर जाएंगे। अंदर भी बहुत ही ज़्यादा मुझे चलना पड़ा था, बहुत ज़्यादा। और मैंने शुक्र किया था कि मैं थोड़ी देर बैठ गई थी और मैंने रेस्ट किया था। और चलें, अब हम अंदर जाते हैं। और अंदर जो है वहाँ पर वीडियोस तो नहीं, दिल तो मेरा बहुत था कि काश मैं वीडियोस बना सकती। यहाँ अभी मैं अंदर जाती हूँ और आपके लिए जो है मज़े मज़े की जो है पिक्चर्स वो अपलोड करती हूँ, क्योंकि अंदर जो इन्होंने बनाया है बहुत ही कमाल का बनाया है। यकीन करें, बहुत ही मज़े की पिक्चर्स हैं। आप इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अंदर तो आप जब देखेंगे पिक्चर्स, तो आप यही कहेंगे कि आप पाकिस्तान में जहाँ भी हैं तो आप जल्द से जल्द लाहौर में आर्मी म्यूज़ियम में आएँ और आप यहाँ पर आकर ये सब कुछ देखें। तो चलें, मैं आर्मी म्यूज़ियम के अंदर जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर कितनी ज़बरदस्त सी जो है इन्होंने अंदर से सब कुछ बनाया।